देश में केंद्रीय सरकार सत्ता में बैठेला माननीय राष्ट्रपति मोदी और पंद प्रधान और इंडिया देश में अनेक स्टेट मुख्य मिनिस्टर गवर्नर सबको मैं डॉक्टर वीपी रामय्या नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया राहुल गांधी क्रांतिकर मंच ऑल इंडिया राहुल गांधी पुरक्षी पेरवे सेल तलेवर हमने सूचना सारे देश का सत्ता में और पब्लिक वर्क करने वाला लोग ये ऊपर में बताया सबको मैं हाथ तोड़ के विनंती करता हूँ। ये विनंती के अंदर ऐसे आज देश में कोरोना खतरनाक बीमार आया, उसमें एक साल लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन का ऐसा किया सारे पब्लिक आज 130 करोड़ पुक्का पेटेला। इस पुक्का पेटेला व्यक्ति को साथ आप ऊपर पेटेला मैं राष्ट्रपति मोदी की भी पूछना चाहता हूँ और भारत पंद प्रधान को भी पूछना चाहता हूँ। इस समय आप राजनीति छोड़ के सारे जनता का काम करने में आपके पास कितना अधिकार है वो अनेक कुटुंब को पहुँचना जरूरत है, कुटुंब को पहुँचना जरूरत है। अनेक रेशन का कार्ड के हिसाब से सबको पहला रेशन भेजो और सबको कोरोना का केमिकल और ये कवर्स और उसका मेडिसिन और उसका इंजेक्शन अपन कर रहे हैं वो सब भेजने के पहले काम में उतरो। उसमें अनेक आदमी को आज रेडी पोजिशन क्या है, आज खर्चा का पैसा नहीं है, उसमें आपने 144 कर्फ्यू लगा दिया देश में। कर्फ्यू लगाने के बाद सब बाहर आने के नहीं हैं, सारे कंपनी बंद, सारे उद्योग बंद, आज सब किसान लोग भी बंद है, यदि अन्नदान पन्ने वाला जगह भी बंद है, उसमें सब एकता ऐसा बीमार है। वो बीमार को मानते लेकिन वो बीमार में अपन सरकार केंद्रीय सरकार और स्टेट सरकार के पोस्ट बोलते ये सब कर्फ्यू लागू करो, लेकिन कहेंगे क्या? आप सभी कुटुंब में राष्ट्रपति मोदी भी इंसान है, पंद प्रधान मोदी भी इंसान है, आपके इंसान बिना इंसान नहीं बोल सकता, लेकिन वो कुटुंब के अंदर क्या तकलीफ है? सुबह 3 बार आदमी को भोजन चाहिए, भोजन कहाँ से मिलने के लिए आप वो बात बिल्कुल नहीं करते। और सत्ता में पेटेला आप लोग सब आप कुछ भी कर सकता है, आज इसके लिए वो मेहरबानी करके एक इंजेक्शन दिया गया सब डालना जाता है। मैं डॉक्टर बीपी रामय्या मैं भी कोरोना का एक इंजेक्शन दे दिया हूँ। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर अभी पॉलिटिशियन पार्टी का पार्ट को रखना नहीं चाहिए, अभी इंजेक्शन पूरा आदमी को लाइन में रख के इंजेक्शन देना जाता है, इंजेक्शन शॉर्टेज क्यों दवा? अभी मैं बीच में ये भी बताना चाहता हूँ, मेडिकल कंपनी दवा कंपनी मैं पिछले 45 ईयर में मैं भी बहुत काम किया, आज इंडिया के अंदर भी ऐसा दवा बन रहा बन जाएगा ये कोरोना का बीमार का भी आप अलर्ट दो, इसमें राजनीति कुसुम मत, क्यों? राष्ट्रपति भी एक मामूली आदमी, पंद प्रधान भी मामूली आदमी, क्यों बोलना चाहता हूँ? मैं एक वोटर से वो बाबा साहब अम्बेडकर और देश का आज़ाद लाया कौन और लाया कौन, कांग्रेस पार्टी ने आज़ाद दिलवाया, उसको आप लोग शॉर्टकट में आके बैठेला, इसके लिए मैं बोलने का मेरा भी हक है। इसके लिए अभी 2 चीज़ आप करो, सबका रेशन का कार्ड के हिसाब से कम 25,000 आपने देना जरूरत है, 25,000 इसके लिए मांग करता है, आपने 15 लाख
एक एक अकाउंट में करने के लिए आपने वादा किया था, क्यों वो नहीं किया? उसके बाद अभी कोरोना का बीमार है, सारे मिनिस्टर को सीएम को कल बोला के खाली दम पट्टी करके आदमी बाहर आने के नहीं, ऐसे भी कोरोना में मरने के भी कोई वादा नहीं, कोरोना का के आप पूरा खर्चा दे रहे हैं नहीं दे रहा है, इसके लिए आदमी कितना। अभी मैंने भी 4 बार तमिलनाडु जाके आया, एक एक गाँव में कोई भी मास्क पहनने के भी उसके पास नहीं है। अभी कोई रोड के अंदर सोएला आदमी, आपके गुजरात वाला पंडित प्रधान का वागरी पूरा लोग रोड में सोएला, उसमें बच्चा लोग मैंने देखा हूँ पूरा बच्चा लोग शर्ट नहीं कुछ नहीं मास्क नहीं, उसमें कोई जाके कड़र तक है। इसके लिए मेहरबानी करके राष्ट्रपति होना दो, प्राइम मिनिस्टर होना दो, सबका अकाउंट में पैसा डालो। वो मांग आदरणीय सोनिया गांधी आपको बार बार बोल रहा, आदरणीय राहुल गांधी जी भी वही बोल रहा, आप पहले केंद्रीय में हिम्मत रख के सरकार चलाना चाहता, वो आप उनको अनेक रेशन कार्ड के कार्ड में आप पैसे पहले भेजो, अनेक बैंक में कितना आप नोटबंदी करने के टाइम कितना पैसा उधर इधर किया, इसके लिए मेहरबानी करके अनेक कार्ड के ऊपर कम से कम 50,000 के अंदर डाल के दो, क्यों वापस तुम 2-3 महीना लॉकडाउन करेंगे खाएंगे के? और सारे स्कूल बंद कर दिया, स्कूल का ड्राइवर के पगार बंद है, आज कंपनी का कोई बंद है, वो आदमी लोग किधर काम करेगा? रोज काम पे जाएंगा वो क्या काम करेगा? वापस लॉकडाउन करके महाराष्ट्र से पूरे यूपी बिहार सब जाते हैं, इसके लिए मेहरबानी करके इसमें राजनीति बंद करो और सबको हेल्प करो। और कोरोना का मेडिसिन आदमी का और दूसरा एक बोलना चाहता था, पूरा एक एक आदमी की 100-100 बीमार है, आज शुगर है, कैंसर है, टीपी है, आत्मा है और बहुत बीमार है, पीपी है, वो सबका गोली खा रहा है, इसके लिए काशी है करके उसको खाली कोरोना करके नहीं देने का, और ज़्यादा डर पैदा करेंगे आदमी पूरा ये होता है, 60 साल के बाद बाहर आने के नहीं दे बोलता है, खाएंगे क्या वो? अभी मैं मुझे भी 60 साल हो गया, हमको भी कैसा जीवन कर सकता है, इसके लिए मेहरबानी करके आप लोग के पास इस टाइम में आपने 600 करोड़ का प्लेन लेने का क्या जरूरत है? आप लोग ऊंचा घूमने के बंद करो पहले, ये बीमार हटने के लिए आप पैदल जाओ जनाधिपति, आप राष्ट्रपति महोदय पीएम भी पैदल जाओ, मेरे ऐसा तुम ये कार्यकर्ता तुम्हारे साथ पे, लेकिन उसके बाद अभी मैं बात किया उसको जेल 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 जाने का, उसको ये मत करो, देश में सबको मदद करो और सबको साथ हेल्प करो, गाँव गाँव में सब चीज़ पहुँचना चाहिए, कोरोना का भी अभी घर घर में सब म्युनिसिपैलिटी के आदमी के भेज के सब दवा पानी करो और देश में अच्छा लाओ, और 130 करोड़ आदमी की पुक्का है उसको पूरा पुक्का मिटाओ और सब करो मेहरबानी करके। मैं भी संपूर्ण देश में हमने भी अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मैं वर्किंग कमेटी मांगा हूँ, अनेक मैं भी बाबा साहब अंबेडकर का घटना का प्योर मैं एससी क्यों एससी बोलेगा, ये देश में पंडित प्रधान भी मानते ही नहीं है, पंडित प्रधान और राष्ट्रपति अभी वो बैठेला बाबा साहब अंबेडकर का मेहरबानी से, उनको ये नहीं लगता राष्ट्रपति क्यों हम एक माघासोरी का माघासोरी के लोग आज कितना गाँव में पुक्का बैठेला राष्ट्रपति मोदी आप सोच जाओ नहीं होगा आप भी राजनामा करना पड़ेगा, क्यों हम भी बहुत ये हो गया जातीयवादी अभी भी बंद नहीं हो रहा, अभी उसके हिसाब से पार्टी चल रहा और इंसान को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहता, उसमें बोलता मैं हिंदू राज्य करेंगा मैं ये करता और बार बार बोलता मैं हिंदू राज्य करो, लेकिन हिंदू में कौन सा भगवान को तुम मानते, वो मार्च मसंट रख के पूजा करते उसमें आप लोग जाते हैं क्या? वो भी गवर्नमेंट का बहुत गलत है, सब एक ऐसे सबको लेके चलो, और मैं बार बार बोलता हूँ देश में ये जातीयवादी पूरा हटाने के लिए तुम हिम्मत लाओ, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ अपने को किया, उसमें कांग्रेस ने बहुत मदद किया, बीच में आप बीजेपी सरकार ने बोल रहा मैं कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन वो कानून लाओ उसमें एक ही लाओ आदमी और औरत दो जात लाओ इंडिया में, मैं आप सब मानता हूँ कोई अभी मैं इतना सीनियर है 40-45 साल हो गया, अनेक राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के साथ काम किया, मुझे क्या मिल रहा कुछ नहीं मिल रहा, 4 नौकरी चला गया, आज मैं पैदल घूम के जा रहा हूँ,
उसमें मेरा साथ तमिलनाडु में था चीफ मिनिस्टर कर्मवीर कामराजर साहब करीब था, लेकिन वो एएसी प्रेसिडेंट भी बना है। इसके लिए सारे हमारे पार्टी का भी मैं वरिष्ठ बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं मुद्दा रख के आदरणीय सोनिया जी के साथ बैठने वाला हूँ, आदरणीय राहुल गांधी की भी बैठने वाला हूँ, और ये मागा चोरी के सेल पूरा गवर्नमेंट में भी रखा, उसमें डुप्लीकेट तुम लोग रख के ये लोग वापस मुंह बंद करते हैं, वो तो हो रहेंगे नहीं है। हम खुद एससी डिपार्टमेंट कमीशन सब हाथ में लेने वाला, भले तुम्हारा गवर्नमेंट में रहेगा उसमें चुन चुन के वो लोग काम करने में। अभी एक घटना हो गया तमिलनाडु में अरकोणम में, एससी पब्लिक को पूरा तीन आदमी की मर्डर कर दिया, राष्ट्रपति मोदी को मालूम नहीं है, पंतप्रधान को मालूम नहीं है। अभी मैं इसी विषय में मेरे साथ था रामदास साटूले बाबा साहब अम्बेडकर का घटना का अच्छा पहला काम करता था, मोदी जी के साथ है मैं मानता हूँ। इसके लिए अभी दो तीन दिन में मैं उनको जाके वो घटना को ये करेंगे। अभी ये कोरोना का विषय में मेरे इधर का ये माता इनसे पूछो क्या क्या तकलीफ है, बोलो हिंदी में बोलो। मोदी साहब वणक्कम, अरे हमको का पीने का ठिकाना नहीं, लाइट बिल कैसा भरेंगे, पानी का पैसा कैसा भरेंगे, अभी ये बारिश का टाइम हर साल बारिश का टाइम में पानी में डूबाते हैं, हमको मर मर के में पचते हैं, हमल की हेल्प करने का क्या नहीं, वो झपड़ा का धूप को कुछ मेरे करना मांगता है, का पीने का नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पीक मंगा के एक दिन पीक मंगा के खाएंगा, दूसरे दिन कौन देगा, हाथ पाव अच्छा रहेंगे तो कौन पैसा देंगे, नहीं देता, हाथ पाव नहीं रहेंगे तो पहला चार आना आठ आना एक रुपया, अभी एक रुपये कौन डालेंगे, ऐसा बहुत तकलीफ में रहता है। अभी मोदी साहब आके सब को अमल को खर्चा पानी देते हैं, कारोबार अच्छा बनेगा देते करके अमल को सोचा, मोदी साहब आके अमल को कुछ करता नहीं है, अमल को देखता भी नहीं है, मारो चिंता रह करके अमल को देखता भी नहीं है, देखो अमल को देखो हम मारा क्या, हाँ कितना तकलीफ में रहता है। अभी ये साल पानी में कैसा रहेंगे घर का मालूम नहीं, सब दीवार दीवार बनाते हैं, रास्ता नहीं पानी जाने का, घर का कपट गुम्बर दीवार दलक कवला दलक पानी आएगा, किधर जाने का, मेरा आदमी बीमार है, मेरा आदमी को एक छोकरा आके छर पे उठा के वो माला में उसको पिटाया, इतना तकलीफ में हम लोग क्या करेंगे साहब, मोदी साहब हम लोग पैसा कर घर का कारण का पैसा भेजो, एक आने की बहुत तकलीफ है, फिर हम लोग मर जाएगा, कितना घर में पाल बच्चा को खाना नहीं करके बच्चा को दवा दे के मर गया, दवा दे के दो बच्चा तीन बच्चा रहेगा तो का पीने की ठिकाने रह करके दवा डाल के माँ भी मर गया बच्चा भी मर जाएगा, फिर आप अभी पदवी में आके मेरे को क्या फायदा, मेरे को कुछ हेल्प करो। ये अभी माता जी ने बताया ऐसे देश में 130 करोड़ लोग है, उसका मालिक है आप लोग है, मेहरबानी करके इसका सुविधा सुनो, इनका खुद का ये ऐसे व्यक्ति का राशन कार्ड का कार्ड के हिसाब से आप लोग केंद्रीय सरकार में बहुत कुछ है, कारण क्या आज सारे पैसा आप लोग किधर से रखे पूरा रखा, वो पूरा पैसा वाला की मदद करने के लिए रखो मत, इंडस्ट्रियल का वाला खाली साथ में रहने के नहीं, गरीब लोग के साथ कोई भी सत्ता रहेगा उसको करने के लिए अधिकार हम मानेगा। और दूसरा हम आज इलाका महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट का आदरणीय मुख्य मिनिस्टर साहब हमारा पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे साहब को भी विनती करता हूँ, और उसमें डिप्टी सीएम मेरे दोस्त साथी अजीत दादा जी को भी मैं विनती करता हूँ, आप केंद्रीय सरकार दे रहा है नहीं दे रहा है इसके लिए आप खुद महाराष्ट्र शासन के तरफ से सबका रेशन का कार्ड के हिसाब से उनको पैसा भी स्टेट में भी भेजो, और स्टेट केंद्रीय में भी पहले सब रेशन कार्ड में दो कार्ड बंद करके रखेला, आज वो कार्ड को भी आप लोग देना जरूरत है, जो 144 कर्फ्यू लागू किया उसमें बीमार का भी एक दादा सब गवर्नमेंट और इसमें कमेटी में महाराष्ट्र शासन में आज बाला साहब दौरते है और नाना पटेल के साहब है, ये सब मिल के पहले आदरणीय सोनिया गांधी ने हमेशा बोल रहा है अपना पॉकेट मनी आदमी को पहुँचा दो वो खर्चा
कुटुम थोड़ा बहुत अच्छा चलेगा। ये मांग ये यूपी सरकार एग्री करो और केंद्रीय सरकार नहीं देंगे करके आप सीधा वाइट निकल के पेपर में हम लोग भेजो। हम दिल्ली में जाके मोदी जी के सामने कासलेट लेके मैं मरने वाला हूँ। क्यों ये काम के लिए उसको बंदा प्रधान ऐसा नहीं है। मैं महाराष्ट्र के तरफ से मैं जाके मैं दिल्ली में आंदोलन करके मेरा आत्महत्या करने के भी मैं तैयार हूँ। इसके लिए मेहरबानी करके इधर उद्धव ठाकरे साहब अजीत दादर जी और नाना पटेल के साहब सब मिलके अभी एक सर्कुलर निकालो और कोरोना का इंजेक्शन भी सब लोगों को मान्यता हो गया। एक इंजेक्शन दिया बाकी वो शॉर्टेज हो गया। वो खुद इंडस्ट्रियल को जल्दी से दवा कंपनी को बोल के दवा दिलवा दो और कोरोना का दवा भी घर घर जाना दो। कोरोना बीमार में डरने के नहीं है, वो आप निकल जाएगा। ये डर पैदा करके उसको अपन घर से बाहर आने के नहीं दादा बोलते वो आदमी क्या करेंगे खाएंगे क्या। और अनेक कुटुंब में तकलीफ है। आज काम धंधा रुका दिया, होटल वाला परेशान है, कंपनी वाला परेशान है और लाइट बिल भी जबर शक्ति वो तो केंद्र सरकार का उनका आदमी वो मर्जी आता बिल भेज दिया सबको लाइट बिल भरने के नहीं है। ऐसा करके अपना स्टेट सरकार के साथ आप मदद करो सबको। इस बार ये करो और काली कर्फ्यू की डाल के कुछ होने वाला नहीं है। कर्फ्यू बीमार ऐसा भी कोरोना बीमार से आदमी 60 साल के बाद बाहर आने के नहीं खाएंगे करेंगे इसके लिए आदमी परेशान है। और मुंबई ऐसा काव महाराष्ट्र अपन कंट्रोल कर रहे हैं और विरोधी पक्ष इसमें वही केंद्रीय सरकार का इधर भारतीय जनता उसको भी सोचना चाहिए। तुम्हारा सत्ता अभी मैं कैसा मैं डायरेक्ट पंडा प्रधान पूछने के अधिकार है क्यों। अभी दूसरा एक घटना मैं बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन लोक आते करके आप लोकबंदी करने के लिए तुम्हारा वो विरोधी पक्ष देवेंद्र फर्नांडिस भी सोचना चाहिए। लेकिन तुम लोग बागेश्वरी के लोग छुट्टियाँ बनाना छोड़ो। अभी सब मिलके हमारा कांग्रेस पार्टी सोचना सोच के ये बाबा साहब का 14 अप्रैल अच्छा तरह से उनको जन्मदिन बनाएंगे। कोई बीमार हटना आएंगे नहीं। मैं खुद मैं कल जाने वाला दादर और बाबा साहब को वंदना करेंगे और उनका हिसाब से देश में इसके लेके मैं जल्दी से आदरणीय सोनिया गांधी राहुल जी को मिलने की जा रहा हूँ। मैं भी जल्दी से ये लोग क्यों महाचोरी लोग को लीडर में अभी भी आप लोग लेके बराबर नहीं चल रहा। मुझे संपूर्ण देश में मैं देख रहा हूँ वो लोग अभी भी कोई संगठन मटर होता कोई बलात्कार हो रहा उसके लिए कोई कार्रवाई होता नहीं है। इसके लिए मेहरबानी करके सब इंसान को हेल्प करो। थैंक यू। अभी ये वीडियो के साथ हमारे साथ हमारे पार्टी के कुछ लोग महाराष्ट्र प्रदेश के राहुल गांधी क्रांतिकर मंच स्टेट सेक्रेटरी अब्बू और मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी सेक्रेटरी गोपाल जी और यहाँ का महिला राहुल गांधी क्रांतिकर मंच का महिला स्टेट मंगला अम्बू और यहाँ का समाज सेवा भारती रेस्टोरेंट होटल का ओनर श्री भारती जी और हमारे साथ माता ऐसे लोग बहुत इस वीडियो दिल से किया इसके लिए दिल से मदद करो। चले 130 करोड़ के भुक्का मिटाओ और कोरोना को हटाओ और आप भागने वाले उसको कुछ ज़्यादा डर पैदा करो मत। अपना आदमी अभी मैं तमिलनाडु 4 बार जाके आया कोई गांव में मास्क भी नहीं आराम से चल रहा है। लेकिन कोई ज़्यादा बोला ना ज़्यादा डर गया उसको ज़्यादा ये और हिम्मत रखा और क्यों केंद्र सरकार उसमें फेल है। कोई कुछ देने के उसको हिम्मत नहीं खाली बड़ी बड़ी बात करने के कम करो। थैंक यू धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीपी राम आज तौर से विनती करता हूँ सबके खिस्सा में पैसा डालना चाहिए सबको कोरोना का मेडिसिन जाना चाहिए और ये डर पैदा करो मत। थैंक यू धन्यवाद।